जी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम परमार अंगिता है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। प्रथम सत्र में इकाई नंबर एक यातायात है। आप लोगों ने भाग एक और भाग दो का वीडियो देखा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यातायात में समझ आ गई होगी। यातायात का अर्थ है वाहन व्यवहार। दोस्तों, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वेरी गुड, यातायात के साधन का। तो मित्रों, सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले कई सारे यातायात के साधनों से आप अवगत हुए हैं। आज हम यातायात की अभ्यास करेंगे। स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करें। चलो मित्रों, अब हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न एक, तुम किस प्रकार जाते हो? फ्रेंड्स, यहाँ आप कौन से यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे पहला है मामा के घर। आप अपने मामा के घर कैसे जाते हो? पैदल जाते हो, रिक्शा में जाते हो, बस के माध्यम से, रेलवे ट्रेन के माध्यम से, अपनी गाड़ी में किस प्रकार जाते हो वो आप लिखेंगे। सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल कैसे आते हो? बस से आते हो, पैदल आते हो, गाड़ी पर आते हो, किस प्रकार आते हो वो आपको लिखना है। बाज़ार कैसे जाते हो? तो यहाँ इस प्रश्न में आपको खुद जवाब लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर दो, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो सही, ना तो गलत का निशान लगाओ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ सवारियाँ दिखाई दे रही है। अगर आपने ये सारी सवारी की है तो सही करेंगे, और नहीं की है तो वहाँ गलत का निशान लगाएंगे। सवारी में आपको पहला चित्र टांगा का दिखाई दे रहा है, टांगा यानी कि घोड़े सवारी। दूसरा है मोटर कार। तीसरा है ऊंट गाड़ी। चौथा है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी यानी बरद गाड़ी। और पांचवा है रेलगाड़ी। फ्रेंड्स, आपने टांगा की सवारी की है? अगर की है तो मैंने सवारी की है में सही का निशान लगाइए। उसी प्रकार मोटर कार, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी, यहाँ आपको निशान लगाने हैं। प्रश्न नंबर तीन, पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। मित्रों, आपको यहाँ पे चार बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहले बॉक्स में सवारी है, दूसरे में टिकट लगेगा, तीसरे में पैसा लगेगा और चौथे में है मुफ्त। यहाँ आपको सवारी को देखकर लिखना है कि वहाँ टिकट लगता है, पैसा लगता है कि मुफ्त में सवारी होती है। यह आपको सही का निशान लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पहले चित्र में टांगा दिखाई दे रहा है। तो बताइए मुझे कि टांगा की सवारी करने के लिए क्या लगेगा? टिकट लगेगी, पैसा लगेगा कि मुफ्त में जाओगे? हाँ, सही है, आप लोग, पैसा लगेगा। दूसरा है मोटर कार। आपको मोटर कार की सवारी अगर करनी है तो वहाँ क्या लगेगा? सही जवाब है, पैसा लगेगा। उसी प्रकार ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी की सवारी में क्या लगेगा वो बताना है। फ्रेंड्स, रेलगाड़ी में आप लोग गए हो? रेलगाड़ी में क्या लगता है बताओ? पैसा लगता है, टिकट लगता है कि मुफ्त में जाते हो? अरे वाह, वेरी गुड, क्या लगता है? टिकट लगता है। तो आपको यहाँ स्वयं ये प्रश्न का हल ढूंढना है और लिखना है। आपको समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है ना, तो आप खुद लिखेंगे। प्रश्न चार, निम्नांकित फूलों के नाम लिखिए। मित्रों, यहाँ आपको चार चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र में आपको विविध फूल दिखाई दे रहे हैं। आपको फूल को देखकर कौन सा फूल है यह आपको नीचे दिए गई जगह में लिखना है। जैसे पहला चित्र कमल का दिखाई दे रहा है, तो नीचे आप लोग लिखेंगे कमल।
दूसरा चित्र तो मुझे मोगरा का दिखाई दे रहा है। तीसरा और चौथा कौन सा फूल है, उस फूल के नाम आपको नीचे दिए गए जगह में खुद लिखने हैं। दोस्तों आज हम कहानी सुनेंगे। प्रश्न नंबर 5 में आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र कहानी दी है आप लोग देख सकते हो। चित्र कहानी में 1 से लेकर 6 चित्र दिए गए हैं। चित्र कहानी का अर्थ है चित्र के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं कहानी सुनने की। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चित्र 6 दिखाई दे रहे हैं। 1 से लेकर 6 चित्रों में अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। चित्रों को देखकर कहानी को आगे बढ़ाना है। यहाँ ध्यानपूर्वक कहानी सोच समझकर आप बनाएंगे। चलिए कहानी सुनने की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है चरवाहा और बाघ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघाया बाघाया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसकी ओर कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा, चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा, उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। मित्रों हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए। हमें परिस्थिति को ध्यान में रखकर मजाक करनी चाहिए। हम ऐसी शरारत करेंगे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। जब हमें मुश्किली के समय में किसी की आवश्यकता होगी तब हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए हमें मजाक भी सोच समझकर करनी चाहिए। इस कहानी का नाम क्या है, बाघ और चरवाहा। दोस्तों कहानी में चरवाहा एक मजाक करता है, झूठ बोलता है, बाघ आया बाघ आया, मगर कोई भी बाघ नहीं आया। जब बाघ आता है और वो मदद के लिए चिल्लाता है, मगर कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। और अंत में झूठ बोलने के कारण, बुरी आदत होने के कारण उसकी कोई भी मदद नहीं करता है और उसे नुकसान भोगना पड़ता है। तो मित्रों हमें भी ऐसी कोई भी शरारत नहीं करनी चाहिए जिसके कारण हमें नुकसान भोगना पड़े। हमें झूठ बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि झूठ बोलना बुरी आदत है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आपको उसके उत्तर बोलने हैं। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराने जाता था? वाह वेरी गुड, जंगल में जाता था। चरवाहे को कौन सी शरारत सूझी? वह क्या चिल्लाया? सोचो। अरे वाह वेरी गुड, बाघ आया बाघ आया। गांव वाले दूसरी बार क्यों नहीं आए?
बोलो। क्योंकि पहली बार वह झूठ बोला था, इसीलिए किसी ने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। तो दोस्तों चलिए अब हम आगे के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। हम प्रश्न नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी गुजराती भाषा। नंबर 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। मित्रों आपको हर एक वाक्य का गुजराती अर्थ करना है और फिर वाक्य को क्रम में रखकर आपको लिखना है। जैसे कि कमल यानी कमर, हमारा यानी आपरू, राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय, फूल यानी फूल। कमल आपरू राष्ट्रीय फूल छे। दूसरा, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। मधुमक्खियाँ यानी मधुमक्खियों। नंबर 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। मित्रों मैंने आपको पहला वाक्य जिस प्रकार अनुवाद करवाया है उसी प्रकार आप 2, 3 और 4 वाक्य का अनुवाद स्वयं करेंगे और आप लिखेंगे। समझ में आ गया है आप लोगों को? इतना जानिए मैं यातायात के साधनों के हिंदी और गुजराती नाम दिए हैं। यहाँ हम उससे परिचित होंगे। साइकिल साइकिल, रिक्शा रिक्शा, ट्रेन ट्रेन, विमान विमान, स्टीमर स्टीमर, बड़दगाड़ू बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी, टांगा स्कूटर स्कूटर, बस बस, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, जहाज जहाज, गाड़ी कार, ऊंटगाड़ी ऊंटगाड़ी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल। दोस्तों हमने इस वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा की। यहाँ पे इकाई 1 समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इकाई नंबर 1 यातायात में पूर्ण तरह से समझ आ गई होगी। तो मैं आपको अभी एक होमवर्क देने जा रही हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक में योग्यता विस्तार में इतना जानिए में यातायात के साधनों के हिंदी और गुजराती नाम दिए हैं और आपको वे नाम अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। जब आप स्कूल आएंगे तब मैं आपका होमवर्क देखूंगी। तो मित्रों हम अगली वीडियो में अगली इकाई के साथ जल्दी ही मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।